Hello friends, welcome to Mathematics Aspirants classes. चलिए आज हम लोग देखते हैं solution of partial differential equation of the first order. तो first order का जो partial differential equation है उसका solution क्या होता है और कितने types के solution होते हैं first order का, तो इस पर हम लोग आज discuss करेंगे. लेकिन friends, मेरे channel आप subscribe कर लीजिए और इस video को भी आप like कीजिएगा. तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेने से क्या होगा कि मैं आगे फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप उसको देख सकते हैं. तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. तो सॉल्यूशन क्या होता है, जब आप देखिए ये सॉल्यूशन ऑफ ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स बाय मींस ऑफ व्हिच and the partial derivative derived therefrom the given partial differential equation is satisfied. अब इसको एक एग्जांपल से समझिए. सपोज कीजिए p into q minus z equal to 0, ये एक partial differential equation है first order का. और इसका solution क्या होगा, solution होता है variables के बीच एक relation. यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं उसमें से z डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x y का फंक्शन होता है. z इज ए फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y. तो x y और z ये तीन वेरिएबल है, इस तीन वेरिएबल के बीच एक रिलेशन और ऐसा रिलेशन जिससे हम लोग जो डेरिवेटिव निकालेंगे और उस रिलेशन के द्वारा ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए. अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो उस रिलेशन को कहेंगे सॉल्यूशन. जैसे हम लोग यहाँ पर रिलेशन ले रहे हैं x plus a y plus b is equal to z, ये एक रिलेशन दिए हुए हम लोग. x y और z तीन वेरिएबल के बीच रिलेशन है, z डिपेंडेंट वेरिएबल x y इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अब इस रिलेशन के द्वारा हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं और वो पार्शियल डेरिवेटिव और जेड का वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं और चेक करते हैं कि इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं. अगर कर देता है तो इसको हम लोग कहेंगे सॉल्यूशन. या देखिए हम लोग इसको जेड को पहले लिख रहे हैं, जेड इक्वल टू एक्स प्लस ए इंटू वाई प्लस बी. अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको पी भी लिखते हैं. तो पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई प्लस बी एक कॉन्स्टेंट जैसा ट्रीट होगा और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, इट इज इक्वल टू y प्लस b एंड डेल z डिवाइडेड बाय डेल y निकालते हैं. y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x प्लस a कांस्टेंट जैसा ट्रीट होगा. इसको z को y के रिस्पेक्ट में अगर करते हैं तो इसको q से भी डिनोट करते हैं, x प्लस a कांस्टेंट जैसा ट्रीट होगा और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, इट इज इक्वल टू x प्लस a. अब लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में 1 के लेफ्ट हैंड साइड में p का वैल्यू q का, इससे हम लोग क्या किए पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लिए जो रिलेशन दिया हुआ था. तो उससे पार्शियल डेरिवेटिव p का वैल्यू y plus b और q का वैल्यू x plus a और माइनस z का वैल्यू, z कितना है, z का वैल्यू है x plus a into y plus b और ये दोनों आप देखिए सेम चीज है. यहाँ पर x प्लस ए था तो ये दोनों सेम चीज है, दोनों पेंसिल होकर के ये जीरो आ रहा है, राइट हैंड साइड हो गया. तो हम लोग ये देख रहे हैं कि इस रिलेशन से जो x y z के बीच एक रिलेशन था, इस रिलेशन से पार्शियल डेरिवेटिव निकालनी है p और q और इस रिलेशन का यूज करके लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग पुट किए हैं p q और z का वैल्यू, वो राइट हैंड साइड आ गया, यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करता है. तो दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन. इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये जो नंबर टू है इट इज कॉल्ड सॉल्यूशन. किसका सॉल्यूशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 1. तो फ्रेंड्स सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन एक्स वाई जेड के बीच एक रिलेशन होता है और वो रिलेशन से हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं और वो रिलेशन का यूज करते हैं. अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन को, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है तो इसी को हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन. तो मैं वही यहाँ पर लिखा हुआ
कि सॉल्यूशन ऑफ ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स बाय मींस ऑफ व्हिच एंड द पार्शियल डेरिवेटिव ड्राइव्ड देयर फ्रॉम द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकाले वो चार टाइप्स का सॉल्यूशन होता है। तो एक एक करके हम लोग सॉल्यूशन के बारे में कंसिडर करेंगे। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अब देखिए देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट में है तो फोर टाइप्स का सॉल्यूशन है कंप्लीट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को इंटीग्रल भी कहते हैं, कंप्लीट इंटीग्रल भी कह सकते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन या पर्टिकुलर इंटीग्रल, सिंगुलर सॉल्यूशन या सिंगुलर इंटीग्रल, जनरल सॉल्यूशन या जनरल इंटीग्रल। तो हम लोग ये एक एक करके इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन। लेट जेड बी ए फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स एंड वाई डिफाइंड बाय एफ एक्स वाई जेड ए बी इज इक्वल टू जीरो वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्री कॉन्स्टेंट। क्या कर रहे हैं, जेड जो है वो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई का फंक्शन है और ये इस रिलेशन के द्वारा डिफाइंड हो रहा है। जैसे अभी हम लोग एक कंसिडर किए थे जेड इक्वल टू एक्स प्लस ई इंटू वाई प्लस बी। अब देखिए एक्स वाई जेड ए बी का एक फंक्शन, आप इसको इधर ले आइए तो जेड माइनस एक्स प्लस ए वाई प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। ये आप देखिए किसका किसका फंक्शन हो गया, थ्री वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड और ए बी दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, इस तीनों के बीच रिलेशन है, उसी का फंक्शन है। तो यहाँ पर सपोज करते हैं कि जेड जो है वो एक्स वाई का फंक्शन है, जैसे जेड यहाँ एक्स और वाई का फंक्शन था तो उसको हम लोग इस तरीके से लिख रहे हैं। तो सपोज कर रहे हैं जेड जो एक्स वाई का फंक्शन है उसको इस तरीके से हम लोग अरेंज किए हुए हैं, इस तरीके से लिखे हुए वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्री कॉन्स्टेंट। अब हम लोग क्या करते हैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई वी गेट। अब एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कीजिए, ध्यान दीजिएगा एफ को एक्स के रिस्पेक्ट में और फिर एक्स को हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में, इस तरीके से पार्शियल डिफरेंशिएशन का रूल होता है कि एफ को एक्स के रिस्पेक्ट में फिर एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में, एफ को वाई के रिस्पेक्ट में, वाई का फंक्शन है तो वाई के रिस्पेक्ट में और फिर वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में, हम लोग फिलहाल एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो एफ को एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में कर लूंगा और उसके बाद जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में अगर कर रहे हैं तो फिर एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में, एफ को वाई के रिस्पेक्ट में, फिर वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर एफ को जेड के रिस्पेक्ट में और फिर जेड को एक्स के रिस्पेक्ट में, और बाकी तो ये कॉन्स्टेंट है तो उसका जीरो हो जाएगा। अब देखिए डेल एफ डिवाइडेड बाय डेल एक्स और डेल एक्स बाय डेल एक्स वन हो जाएगा, डेल एफ डिवाइडेड बाय डेल वाई, डेल वाई बाय डेल एक्स वाई का जब एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस डेल एफ डिवाइडेड बाय डेल जेड और डेल जेड बाय डेल एक्स को पी लिखते हैं तो यहां पर पी लिख दे रहा हूं इज इक्वल टू जीरो। तो ये तो आपका जीरो हो गया, तो बच रहा है डेल एफ डिवाइडेड बाय डेल एक्स प्लस पी डेल एफ डिवाइडेड बाय डेल जेड इक्वल टू जीरो, ये नंबर टू कर दे रहा हूं। इसी तरीके से इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं वाई के रिस्पेक्ट में। तो वाई के रिस्पेक्ट में अगर करते हैं तो क्या होता है, y के रेस्पेक्ट में करते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही आप डिफरेंशिएट करके देख सकते हैं f को x के रेस्पेक्ट में और फिर x को जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो इसीलिए इस टर्म को हम लोग नहीं लिख रहे हैं, फिर f को y के रेस्पेक्ट में और फिर y को y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये वन हो जाएगा, प्लस डेल f डिवाइडेड बाय डेल z z के रेस्पेक्ट में और फिर z को हम लोग y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये q हो जाएगा और इक्वल टू जीरो। तो अब हमारे पास तीन रिलेशन होते हैं।
एक ये रिलेशन है, एक ये रिलेशन है और एक ये रिलेशन है। तो हम लोग इससे हम लोग फॉर्म करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फॉर्म करते हैं तो यहां से ए और बी इलिमिनेट करेंगे, ये जो तीन रिलेशन आ रहा है इस तीनों रिलेशन से हम लोग इलिमिनेट कर देंगे ए और बी को। नाउ इलिमिनेटिंग ए एंड बी फ्रॉम 1, 2 and 3 we get a relation f x y z p और q is equal to 0। अब देखिएगा जब ये तीनों से हम लोग a और b को eliminate करेंगे तो x y z p q का एक function आ जाएगा, एक relation आ जाएगा। इस relation को हम लोग कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का है और ये जो है इसी से हम लोग फॉर्म किए ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन कहलाता है। वन को कहेंगे हम लोग सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ये जो सॉल्यूशन है इसी को हम लोग कहेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन। वन इज कॉल्ड complete solution of partial differential equation 4। तो एक एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं। वन को कहेंगे partial difference complete solution of partial differential equation 4। तो हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे मैं इसी एग्जांपल को ले रहा हूं, z equal to x plus a इंटू वाई प्लस बी, एक रिलेशन है। जैसे यहां पर रिलेशन था एक्स वाई जेड ए बी का, तो वैसे ही वहां पर एक रिलेशन है ये। अब इस रिलेशन को से हम लोग इलिमिनेट करेंगे ए और बी को, तो पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए एक्स के रेस्पेक्ट में। तो डेल जेड बाई डेल एक्स को पी से डिनोट करते हैं। जब एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे पार्शियली तो वाई प्लस बी कॉन्स्टेंट हो जाएगा और एक्स प्लस ए का वन। फिर इसको हम लोग y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, ये हो गया डेल जेड बाय डेल एक्स और हम लोग डेल जेड डिवाइडेड बाय डेल वाई निकालते हैं। y के रेस्पेक्ट में करते हैं तो इसको q से डिनोट करते हैं। y के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो ये कांस्टेंट हो जाएगा और इसका वैल्यू, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो यहां से हम लोग का क्या आ गया है, y प्लस बी का वैल्यू p आ रहा है और x प्लस a का वैल्यू q आ रहा है। ये आप पुट कर दीजिए यहां पर, तो वन में पुट करते हैं तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस a की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं q और y प्लस b की जगह क्या पुट कर सकते हैं p। तो ये एक रिलेशन बन गया p इंटू क्यू माइनस z इक्वल टू जीरो, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन इससे फॉर्म हुआ है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ये कंप्लीट सॉल्यूशन कहते हैं, ये जो सॉल्यूशन आया इसी को हम लोग कहेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पर भी फ्रेंड्स देखिए आप क्या कर रहे हैं, एक्स वाई जेड ए बी के बीच एक रिलेशन दिया हुआ है, उस रिलेशन को हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में। और डिफरेंशिएट करने के बाद जो रिलेशन आया है, दो रिलेशन आया था, इस दो रिलेशन और एक ये रिलेशन है, तीनों से हम लोग ए और बी आर्बिट्ररी कांस्टेंट को इलिमिनेट कर दिए और इलिमिनेट करने के बाद एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का इसको हम लोग कहेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन। वन इज कॉल्ड कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 4। जैसे यहां पर हम लोग फॉर्म किए हैं फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आर्बिट्ररी कांस्टेंट को इलिमिनेट करके, तो यहां से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये बनाया है, इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ये कंप्लीट सॉल्यूशन कहलाता है। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। अब इसके बाद है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, मैं इसी एग्जांपल से बता रहा हूं। जैसे अभी हम लोग देखें यहां पर कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है पी क्यू माइनस जेड इक्वल टू जीरो, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन सी एस कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई प्लस बी। अब देखिए यहां पर a और b आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो इस आर्बिट्ररी कांस्टेंट का कई एक वैल्यू हो सकता है, हम लोग कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे यहां पर मैं पुट कर रहा हूं a के जगह 2
और b के जगह 3 पुट कर रहा हूं, कोई भी पार्टिकुलर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो इस सॉल्यूशन को कहेंगे, ये भी एक सॉल्यूशन हो जाएगा इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो इस सॉल्यूशन को कहेंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन या पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय गिविंग सम पार्टिकुलर वैल्यूज टू द आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज कॉल्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, जैसे एग्जांपल में आप ये देख सकते हैं कि z equal to x plus a into y plus b is the complete solution of partial differential equation p into q equal to z, इसका ये complete solution था। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर particular value put कर देते हैं, therefore z equal to x plus 2 कोई भी पार्टिकुलर वैल्यू आप पुट कर दीजिए, y प्लस 3 बी ए पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 2। इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ये एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। क्या किए हम लोग, कंप्लीट सॉल्यूशन में पार्टिकुलर वैल्यू पुट कर दिए आर्बिट्ररी कांस्टेंट में, तो दिस इज कॉल्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अब हम लोग आगे देखते हैं जनरल सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन, ये दो और सॉल्यूशन है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सिंगुलर सॉल्यूशन को एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। देखिए पहले आप इसको इस रिलेशन को देखिए, यहां से हम लोग एक फॉर्म करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, यहां से p निकालते हैं, p मींस डेल z डिवाइडेड बाय डेल x, ये नंबर 1 है। इसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग x के रिस्पेक्ट में, क्या आएगा x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये 0 ये 0। और q निकालते हैं y के रिस्पेक्ट में, अगर पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो y के रिस्पेक्ट में ये 0 उधर 0, यहां पर सिर्फ बच रहा है b। तो a का वैल्यू p और b का वैल्यू q यहां पर पुट कर दीजिए, तो 1 में a का वैल्यू p पुट कर रहे हैं px plus b का वैल्यू q qy minus फिर a का वैल्यू p स्क्वायर प्लस b का वैल्यू q q स्क्वायर। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। तो जरा ध्यान दीजिएगा, जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो x y z a और b का फंक्शन है। आप इसको इधर ले आइए, इधर लाकर के इसको f x y z a b मान लेते हैं, ये इधर ले आएंगे तो z minus ax माइनस बी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एक रिलेशन है। अब इसी रिलेशन को हम लोग एफ ऑफ एक्स वाई जेड ए बी हम लोग सपोज किए हुए हैं। अब इसको पार्शियली आप डिफरेंशिएट कर दीजिए डेल एफ बाय डेल ए के रिस्पेक्ट में, ध्यान दीजिएगा आर्बिट्ररी कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ए के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जेड कांस्टेंट हो जाएगा, ए के रिस्पेक्ट में अगर कर रहे हैं तो माइनस एक्स ये 0 हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा प्लस 2a। और y के रिस्पेक्ट में हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं डेल f डिवाइडेड बाय डेल b y के रिस्पेक्ट में f को, तो आप इधर डिफरेंशिएट कीजिए ये 0 ये 0, b के रिस्पेक्ट में f को b आर्बिट्ररी कांस्टेंट b के रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं तो माइनस y प्लस 2b। अब तीन रिलेशन बनाइए, f x y z a b इक्वल टू 0, यहां से क्या आएगा दिस इज इक्वल टू 0, z माइनस ax माइनस by प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0। और दूसरा रिलेशन हम लोग बनाते हैं ये डेल f डिवाइडेड बाय डेल a इक्वल टू 0, इंप्लाइज डेल f डिवाइडेड बाय डेल a क्या हो गया माइनस x प्लस 2a इक्वल टू 0। यहां से x का वैल्यू कितना आ रहा है 2a इक्वल टू x आ रहा है, means a is equal to हो जाएगा x by 2 और एक del f divided by del b equal to 0। तो del f divided by del b निकला हुआ minus y plus 2b equal to 0 is equal implies यहां से 2b is equal to y और b का value y divided by 2 आ रहा है। तो अब क्या कीजिए, हम लोग क्या कर रहे हैं यहां से a और b को eliminate कर रहे हैं, कहां तीन relation है, एक fx y z a b equal to 0,
डेरेट बाय डेरे इक्वल टू जीरो और डेरेट बाय डेरे इक्वल टू जीरो, इस तीनों से हम लोग आर्बिट्ररी कांस्टेंट ए बी को इलिमिनेट कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, ए का वैल्यू निकला हुआ है, बी का वैल्यू निकला हुआ है, वो यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर क्या आएगा, जेड माइनस ए, ए का वैल्यू एक्स बाय टू इंटू एक्स है और b का वैल्यू y बाय टू इंटू वाई है और प्लस ए स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा यहां बी स्क्वायर, स्क्वायर छोटा हुआ था, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय टू, एक्स स्क्वायर बाय फोर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर बाय फोर हो जाएगा और इक्वल टू जीरो। यहां से जेड माइनस ये सारा चीज को उधर ले जाते हैं, जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस वाई स्क्वायर बाय टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय फोर माइनस वाई स्क्वायर बाय फोर। अब देखिए ये फोर एलसीएम आ जाएगा, तो फोर एलसीएम आएगा तो टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये एक रिलेशन हो गया। देखिए x, y, z के बीच एक रिलेशन लाए हैं, कहां से लाए हैं हम लोग, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ये कंप्लीट सॉल्यूशन था और इस कंप्लीट सॉल्यूशन को क्या किए हम लोग, f ऑफ फंक्शन, फंक्शन सपोज कर रहे हैं x, y, z, a, b का, इसी को हम लोग मानेंगे, ये इधर ला करके और इस फंक्शन को f, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर लिए a के रिस्पेक्ट में आर्बिट्ररी कांस्टेंट और पार्शियली डिफरेंशिएट कर लिए बी के रिस्पेक्ट में और उसको जीरो पुट कर दिए। तो तीन इक्वेशन दिए, एफ ऑफ एक्स वाई जेड ए बी इक्वल टू जीरो, डेल एफ बाय डेल ए इक्वल टू जीरो और डेल एफ बाय डेल बी इक्वल टू जीरो। ये तीनों रिलेशन से क्या किए हम लोग, ए और बी को इलिमिनेट कर दिए। ए और बी को इलिमिनेट करने के बाद ये रिलेशन बना। अगर ये रिलेशन इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो दिस इज कॉल्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। इस रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, सिंगुलर सॉल्यूशन कहते हैं। तो आप देखिए मैं डेफिनेशन लिखा हूं इसके साथ, आप इसको मैच कीजिए। मैं मिस्टर शिवनाथ कुमार जो इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं उनसे आग्रह करूंगा कि ये इधर फोकस करें। लेट f ऑफ x y z a b इक्वल टू जीरो, ये एक सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, द रिलेशन बिटवीन x y एंड z ऑब्टेन बाय इलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट a एंड b बिटवीन द इक्वेशन दिस दिस एंड दिस। देखिए ये कंप्लीट सॉल्यूशन है इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, कंप्लीट सॉल्यूशन को हम लोग लिए हैं, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किए हैं a के रिस्पेक्ट में और b के रिस्पेक्ट में, उसको जीरो पुट कर दिए हैं और ये तीनों से हम लोग आर्बिट्ररी कांस्टेंट a b को इलिमिनेट कर दिए। तो जो रिलेशन बनेगा x y z को उसी को कहते हैं, इज कॉल्ड सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि वो जो रिलेशन आएगा प्रोवाइडेड इट सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को, इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम लोग वहां पर भी वही काम किए हैं। अब इधर आइए, इधर देखते हैं कि ये कंप्लीट सॉल्यूशन था, कंप्लीट सॉल्यूशन से हम लोग इसको इधर ला करके एफ एक्स वाई जेड ए बी मान लिए, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किए ए के रिस्पेक्ट में और बी के रिस्पेक्ट में, उसको जीरो पुट कर दिए और जो इक्वेशन था उससे हम लोग ए बी को इलिमिनेट कर दिए। इलिमिनेट करने के बाद एक्स वाई जेड के बीच रिलेशन आ गया और ये रिलेशन आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, जरूर इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो रिलेशन आया है ये रिलेशन को कहेंगे सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का सिंगुलर सॉल्यूशन हो गया। अब जनरल सॉल्यूशन मैं शॉर्ट में सिर्फ बता दे रहा हूं, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन के लिए ये एक कंप्लीट सॉल्यूशन है। आप क्या कीजिए, b को एक आर्बिट्ररी फंक्शन सपोज कर लीजिए, b इक्वल टू साई, यहां पर b जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो b को a का एक आर्बिट्ररी फंक्शन सपोज कर लेते हैं और मैं यहां पर b को रिप्लेस कर देता हूं इससे,
बी के जगह साई ए पुट कर दे रहा हूं। अब यहां पर सिंगल पैरामीटर है, सिर्फ एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है ए, और इसको ए के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब उसके बाद इस रिलेशन से और इस रिलेशन से ए को आप इलिमिनेट कर दीजिए। ए को इलिमिनेट करने के बाद जो रिलेशन बनेगा उस रिलेशन को हम लोग कहेंगे जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, जो कंप्लीट सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन में हम लोग आर्बिट्ररी कांस्टेंट बी को साई ऑफ ए मान लिए, आर्बिट्ररी कांस्टेंट ए का एक आर्बिट्ररी फंक्शन सपोज कर लिए, और वहां पर बी को हटा करके हम लोग यहां पर साई ए लिख दे रहे हैं। अब इसको और इसको, इससे और इससे, ये दोनों से आर्बिट्ररी कांस्टेंट ए को इलिमिनेट कर देंगे, जो रिलेशन बनेगा उस रिलेशन को हम लोग कहेंगे जनरल सॉल्यूशन। तो ये चार टाइप का सॉल्यूशन था फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने का तरीका देखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उसको आप जरूर देखिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।